ये सारे इलाकों में जो एक गरीब गुरबा के वोट का उभार था, शायद उस उभार के डर की वजह से स्थानीय प्रशासन की मदद से हर तरह के हथकंडे अपनाए गए। हमारे वोटर को लाइन से भगाया गया, रिगिंग की कोशिशें चल रही हैं, कई जगह रिगिंग कर भी रहे हैं। मैंने कहा कि तहकीकात करवाइए ताकि बहुजन गरीब गुरबा का वोट अपनी जगह पहुंचे। ये बेमानी है कहना, ये ढकोसले की तरह लगता है जब चुनाव आयोग कहता है कि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में सक्षम है। आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि बहुत त्वरित सूचना पे आप सब इकट्ठा हुए। इससे पहले भी हमारे कुछ साथी यहाँ आए थे इलेक्शन कमीशन, अभी हम मेरे साथ शक्ति सिंह यादव जी, हमारे कारी सोहेब साहब, हम तीनों आए। हमने यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त साहब के सामने काफ़ी चीज़ें रखी। कुछ इलाके सूर्यगढ़ा के, मुंगेर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं बात कर रहा हूँ, सूर्यगढ़ा के बरहिया नगर परिषद, मैं समझता हूँ मोकामा का कुछ इलाका और पंडारक, ये सारे इलाकों में जो एक गरीब गुरबा के वोट का उभार था, शायद उस उभार के डर की वजह से स्थानीय प्रशासन की मदद से हर तरह के हथकंडे अपनाए गए। हमारे वोटर को लाइन से भगाया गया, रिगिंग की कोशिशें चल रही हैं, कई जगह रिगिंग कर भी रहे हैं। हम इन चीज़ों के मद्देनज़र, क्योंकि जब कहते हैं निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव, तो ये कागज़ पे मुर्दा शब्द नहीं है, ये जिंदा शब्द हैं। काम है प्रशासन का ये सुनिश्चित करना कि गरीब गुरबा बहुजन आबादी अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये मताधिकार बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने दिया था। तो अगर आप बाबा साहब के अरमानों को, बाबा साहब की ख्वाहिशों को कुंद करने के लिए स्थानीय प्रशासन की मदद से आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आपकी डेस्परेट कोशिश है कि मार्जिन कम कर लिया जाए। हार तो आप रहे हैं, हार तो आप गए हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, स्थानीय प्रशासन, लोकल एसपी साहब, वो जो हमारी उम्मीदें होती हैं प्रशासन से, हमने यहाँ श्रीनिवासन जी, मुख्य चुनाव आयुक्त जी से सब कुछ सामने रखा है। मैंने कहा कि तहकीकात करवाइए ताकि बहुजन गरीब गुरबा का वोट अपनी जगह पहुँचे, अन्यथा ये बेमानी है कहना, ये ढकोसले की तरह लगता है जब चुनाव आयोग कहता है कि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में सक्षम है। मुझे इतनी बात कहनी है। कौन लोग कर रहा है ऐसा? ऐसा कर कौन आप लगा रहा है? मैंने साफ बात कही, स्थानीय प्रशासन, हम किससे लड़ रहे हैं आपको ये भी पता है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, चुनाव का वक्त है, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, बहुजन गरीब दलित आबादी को अगर आप उसके मताधिकार से वंचित करते हैं सिर्फ इसलिए उनका प्रतिशत आप पर भारी पड़ेगा, तो ये आप अन्याय कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। इससे पहले भी वोटिंग परसेंटेज को लेकर कांग्रेस ने लेटर लिखा था चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए, चुनाव आयोग के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि आर्टिकल 324 को चुनाव आयोग पढ़ ले, क्योंकि दुनिया देख रही है। और जब इस दौर का मूल्यांकन होगा तो चुनाव आयोग का मूल्यांकन एक सजग संस्था के रूप में नहीं होगा, एक प्लांट संस्था के रूप में होगा। अखबारों में जो इश्तिहार दी गई थी उसको लेकर भी कोई जिक्र हुआ है? देखिए, प्रधानमंत्री जी को पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।